बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 एक्स ओवर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डी एक्स। ये देखें, ये एक्स ओवर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये भी लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक आपने ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 2। भाई देखो, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर, तो आपने ए ओवर पहला फैक्टर प्लस बी ओवर सेकेंड फैक्टर मल्टीप्लाई विद एलसीएम, आपने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया जी। मल्टीप्लाई विद एलसीएम यू गेट एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। अब आप पुट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स को जब 1 रखोगे ना तो भाई जन ए आपका निकला है माइनस 1 जी। भाई जब एक्स माइनस 1 को 0 रखो एक्स की वैल्यू 1, जब एक्स 1 फिर 2 को 0 रखो एक्स की वैल्यू 2, तो बी आपका निकला है 1। आपने यहाँ पे रख के वैल्यूज ए और बी निकाल ली। अब ए और बी की वैल्यूज यहाँ पुट करें तो आपके पास आएगा एक्स ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। नो, आपने इसका इंटीग्रेशन करनी, इसकी कर लें, इसका लॉग आएगा, इसका लॉग आएगा जी। भाई नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, लॉग ऑफ नीचे वाले, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग ऑफ पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ नेगेटिव, खोलेंगे ना लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस आएगा जी। दिस इज द आंसर जी। एक्सरसाइज 4.4 एग्जाम्पल 44, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। भाई ये डायरेक्ट हल नहीं होगा जी, इसके लिए मैजिक सब्सिट्यूशन है। हमेशा पुट करेंगे टी बराबर टेंजेंट एक्स बाय 2, हमेशा टी बराबर टेंजेंट एक्स बाय 2। ये हम 4.6 में जाके स्टडी करेंगे। तो डी एक्स होगा 2 डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स होता है 2 टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड कॉस एक्स होगा 1 मन फिर टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपने चार चीज़ें याद करनी है, टी बराबर टेंजेंट एक्स बाय 2, डी एक्स होगा 2 डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स होगा 2 टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स होगा 1 मन फिर टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे आप साइन की, कॉस की, साइन की और डी एक्स की वैल्यू लगा देंगे। अब आप ज़रा देखें, इसका एलसीएम ले लें भाई, ऊपर वाले का एलसीएम ले लें, नीचे वाले का एलसीएम ले लें। अब जहाँ पे कैंसलेशन हो सकती है कैंसलेशन कर दें जी। कैंसलेशन के बाद यू विल गेट दिस, ऊपर आएगा 1 प्लस 2 टी प्लस टी स्क्वायर ओवर बाई जन 2 टी आएगा, 2 को बाहर निकाल के अलग अलग डिवाइड कर दो जी। इसका 1 ओवर टी आएगा, इसका 1 आएगा, इसका टी आएगा, इसका लॉग ऑफ टी, इसका टी, इसका टी स्क्वायर बाय 2 जी, इसका टी स्क्वायर बाय 2 जी। भाई इसकी पहचान यह है, इसमें साइन कोज वगैरह होंगे और ये डायरेक्ट हल नहीं होगा, इसके लिए मैजिक सब्सिट्यूशन है। पुट हमेशा टी बराबर टेंजेंट एक्स बाय 2, डी एक्स होगा 2 डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स होगा 2 टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड कॉस एक्स होगा 1 मन फिर टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। हमेशा हमेशा ये चार चीज़ें आपने याद रखनी है, टी बराबर टेंजेंट एक्स बाय 2, डी एक्स बराबर होगा 2 डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और बाई जन साइन एक्स होगा 2 टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड कॉस एक्स होगा 1 मन फिर टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर फिट करें, कैंसिलेशन के बाद वी गेट दिस, जब इंटीग्रेशन करेंगे लॉग ऑफ टी आएगा, इसका टी आएगा, इसका टी स्क्वायर बाय 2 आएगा, तो टी स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा। नो प्लीज़ पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी हमारे पास है टेंजेंट एक्स बाय 2, टी हमारे पास है टेंजेंट एक्स बाय 2, टी हमारे पास है टेंजेंट एक्स बाय 2। दिस इज द आंसर। नो दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी, क्या है, इंटीग्रल 4ex प्लस 6e की पावर माइनस एक्स ओवर 9e की पावर एक्स माइनस 4e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये 4.4 से पहले एग्जाम्पल है जी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसमें हमेशा पुट टी बराबर ई की पावर एक्स है भाई, टी बराबर है ई की पावर एक्स, तो डी टी किसके बराबर होगा, ई एक्स डी एक्स। तो आप ज़रा देखें, डी एक्स का डी टी ओवर ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स या टी पुट कर दें तो डी एक्स होगा डी टी ओवर टी टी। अब आपने जहाँ पर ई एक्स होगा वहाँ पर टी पुट करेंगे, और जहाँ पर डी एक्स होगा वहाँ पर डी टी ओवर टी। तो आपकी ये रकम बनेगी 40 प्लस 6 ओवर टी, 90 माइनस 4 ओवर टी, आगे डी टी ओवर टी। आप जरा देखें भाई, आप इसका एलसीएम ले लें जी, इसका क्या ले लें जी, एलसीएम ले लें जी। अब इसके दो जोड़े बनेंगे 3t प्लस 2 और 3t माइनस 2, तो आपके पास ये रकम बन गई जी। अब यहाँ पे आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाला प्रोसेस चलेगा जी, क्या चलेगा, पार्शियल फ्रैक्शन वाला पोर्शन। तो आपके पास है 4t स्क्वायर प्लस 6 ओवर टी 3t माइनस 2 इंटू 3t प्लस 2,
ए ओवर टी आ गया, बी ओवर आ गया थ्री टी माइनस टू प्लस सी ओवर थ्री टी प्लस टू। भाई ए ओवर टी प्लस बी ओवर थ्री टी माइनस टू प्लस सी ओवर थ्री टी माइनस थ्री टी प्लस टू जी। अब हमें ए बी और सी चाहिए जी। जी जब आप इसका एलसीएम लेंगे या इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा फोर टी स्क्वायर प्लस सिक्स ए इंटू थ्री टी माइनस टू इंटू थ्री टी प्लस टू बी इंटू टी आगे थ्री टी प्लस टू प्लस सी इंटू टी थ्री टी माइनस टू जी। देखें आपने कोई नया काम नहीं किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यू विल सी दिस। भाई सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यू विल सी दिस जी। ना भी करें तो खैर है जी। भाई ना भी करें तो खैर है। आपके पास जो रकम आएगी वो थ्री टी स्क्र फोर टी स्क्र प्लस सिक्स ए इंटू नाइन टी स्क्र माइनस फोर प्लस बी इंटू थ्री टी स्क्र प्लस टू टी प्लस सी बाहर थ्री टी स्क्र एंड माइनस टू टी जी। पुट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए निकल आया माइनस थ्री बाय टू जी। अब आप कंपेयरिंग कर लो या पुट कर लो। आपने टी स्क्र को कंपेयर किया तो आपके पास आएगा नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू फोर। आपके पास ए अवेलेबल है आप रखेंगे तो आपके पास बी की वैल्यू निकल आएगी पैंतीस बटा बारह जी। भाई जब टी को कंपेयर करेंगे टू बी माइनस टू सी इज इक्वल टू ज़ीरो तो बी इज इक्वल टू ज़ीरो तो सी किसके बराबर निकलेगा भाईजान पैंतीस बटा बारह जी। आपने ये हमारे पास रकम थी ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप इसको इंटीग्रेट कर लें। भाई आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं इसको इंटीग्रेट कर लें। आप माइनस थ्री बाय टू बाहर वन ओवर टी डी टी बी पैंतीस बटा आप तीन से ज़रब तीन से डिवाइड टी। जब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग ऑफ नीचे वाले से। भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव बनता है थ्री थ्री से मल्टीप्लाई थ्री से डिवाइड टी तो लॉग ऑफ दिस आएगा जी। अब जब देखिएगा आपने टी की वैल्यू एंड टी की वैल्यू पुट कर दें। भाई टी की वैल्यू क्या कर दें जी पुट कर दें तो आप वैसे तो लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा दी आपने वो ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी ए स्केयर मनफी बी स्केयर आएगा जी। भाई ए स्केयर माइनस बी स्केयर आएगा जी। देयर फॉर आई बराबर होगा माइनस थ्री बाई टू एक्स आएगा जी। आगे पैंतीस बटा छत्तीस एल एन नाइन ई की पावर टू एक्स एंड माइनस फोर दिस विल बी योर आंसर जी। जी क्वेश्चन नंबर फोर 4.4 आई बराबर है इंटीग्रल टू एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। आप ऊपर वाली को अंदर रखो नीचे वाली को बाहर रखो जी। भाई ऊपर वाली को अंदर रखो नीचे वाली को बाहर रखो टू से मल्टीप्लाई किया यू गेट दिस जी। तो ये जो डिवीजन होगी ना ये बराबर होगी टू प्लस माइनस थ्री माइनस एक्स ओवर बाई जन एक्स स्क्र प्लस टू एक्स एंड प्लस टू जी। अब आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं आप इसको कर लें जी। भैया आपने इसको इंटीग्रेट करनी आप इसको कर लें ये हमारा ये आएगा। अब अलग अलग इसको अलग इंटीग्रेट कर दें इसको अलग जी। अब इसका तो हो गया टू एक्स हो गया भाई इंटीग्रल डी कैंसिल एक्स आएगा टू एक्स। अब देखें यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे डायरेक्ट बनता है टू एक्स जमा टू तो आपने टू से ज़रा टू से डिवाइड की। अब इसको तोड़ें जी टू एक्स प्लस टू प्लस फोर जी। भाई टू एक्स प्लस फोर इसके नीचे ज़्यादा डिवाइड कर दें इसके नीचे ज़्यादा डिवाइड। अब देखें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो लॉग ऑफ नीचे वाले जी। भाई नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग ऑफ नीचे वाले। यहाँ पे आप इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्केयर प्लस वन का स्केयर क्योंकि इसको ओपन करोगे तो वही आएगा जी। तो ये एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर क्या होगा जी टेन इनवर्स एक्स ओवर एच। ए का रोल यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है जी वन। भाई ए का रोल यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है वन तो दिस इज़ दी आंसर जी। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ऊपर वाली पावर छोटी होनी चाहिए जी। इंटीग्रेशन का असूल है कि प्रॉपर होना चाहिए जी। जब बड़ी हो या बराबर हो तो आप डिवाइड करेंगे जी। ऊपर वाली को अंदर रखा नीचे वाली को बाहर रखा आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस जी। अब इसको लिखना किस तरह ये डिवीजन बराबर होगी दिस रकम प्लस दिस ओवर दिस। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं आप इसकी कर लें जी। भैया आप इसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं आप इसकी कर लें।
भाई इसकी इंटीग्रेशन करनी है ना, आप इसकी कर लें भाई। आगे पुराना काम से सिर्फ सबसे पहला जो असूल है कि ऊपर वाली पावर छोटी होनी चाहिए, ऊपर वाली को अंदर रखा, नीचे वाली को बाहर रखा। भाई कैलकुलेशन के बाद शुरू कर दिस, तो लिखेंगे इस रकम को दिस प्लस दिस ओवर दिस। भाई क्वेश्चन नंबर 12, आई इज इक्वल टू 1/x^4+1 इंटू डी एक्स। भाई आई इज इक्वल टू क्या होगा, x^4+1 1/x^4+1 इंटू डी एक्स। भाई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। आपने ऊपर और नीचे को भाई किससे डिवाइड करना, एक्स स्क्वायर। भाई ऊपर वाली को और नीचे वाली को हर रकम को आपने किससे डिवाइड करना, एक्स स्क्वायर। ये स्पेशल क्वेश्चन है जी भाई, दिस इज दी स्पेशल क्वेश्चन। ऊपर और नीचे आपने एक्स स्क्वायर से हर रकम को डिवाइड करना, इसको 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 जी। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर जी। तो आपके पास आएगा 1/x^2, यहाँ पे x^2+1/x^2 डी एक्स। आपने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। आप देखें कि इसको आपने इस तरह एडजस्ट करना है, 1+1/x^2 -1/1 -x^2। अगर इसको सिंपलीफाई किया जाए तो भाई आएगा 2/x^2। अब इसके नीचे लादा डिवाइड कर दो, इसके नीचे लादा डिवाइड कर दो। अब भाई इधर देखिएगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे नेगेटिव होना चाहिए, ऊपर अगर नेगेटिव है तो नीचे प्लस होना चाहिए। भाई देखें ये असूल है, अगर टी बराबर x-1/x, इसका डेरिवेटिव का गाजी 1+1/x^dx। भाई अगर इधर नेगेटिव आ रहा है तो डेरिवेटिव में क्या आएगा, प्लस। अगर इधर प्लस आ रहा है तो डेरिवेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव। तो लिहाजा अगर ऊपर प्लस है तो नीचे आपने नेगेटिव बनाना है, ऊपर अगर नेगेटिव है तो नीचे आपने क्या बनाना, प्लस। अब देखो ना, इसको खोलोगे तो x^2+1/x^-2 आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए +2 कर दिए। इसको खोलोगे x^2+1/x^2 आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए -2 कर दीजिए। भाई देखें इसको आपने एडजस्ट हिस्सा करना है, अगर सादा अगर बीच में नेगेटिव है तो डेरिवेटिव में क्या का प्लस, अगर सादा पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव में क्या का नेगेटिव जी। भाई उल्ट काम करना है ना, तो आप तो देखें कि ये रकम आपका बन गया dt/t²+a²। भाई dt/t²+a², तो फार्मूला था 1/a tan−1 x/a जी। और ये वेरिएबल का स्केयर मनफी कांस्टेंट का मरबा जी। भाई जन वेरिएबल का मरबा मनफी कांस्टेंट 1/2a ln, ऊपर नेगेटिव पेयर आएगा नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव पेयर जी। भाई ऊपर नेगेटिव पेयर आएगा नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव पेयर जी। भाई ऊपर नेगेटिव पेयर आएगा नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव पेयर जी। भाई स्पेशल आपने देखें, अगर x-1/x है ना तो इसका डेरिवेटिव होगा 1+1/x², अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर x-+1/x है तो डेरिवेटिव में क्या करें, 1-1/x². नो प्लीज़, आप यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दें, उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें जहाँ तक पॉसिबल हो। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल सी दिस, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल सी दिस। सिर्फ आपने क्या काम करना है, जिसमें आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर इसको इस तरह एडजस्ट करना है। अगर दोनों चीज़ें नजर आनी चाहिए, 1+1/x² एंड 1-1/x², लेकिन अगर इसको इकट्ठा करोगे तो 2/x² होना चाहिए। अब अगर ऊपर आपका पॉजिटिव है तो नीचे आप नेगेटिव का स्केयर बना लेंगे, ऊपर अगर नेगेटिव तो नीचे पॉजिटिव का स्केयर, उसको साथ बैलेंस भी कर लेंगे। अब देखें जब टी x-1/x होगा तो dt क्या होगा, 1+1/x² dx। भाई इधर अगर नेगेटिव है तो डायरेक्ट में पॉजिटिव, अगर v हमारे पास x-1/x तो dv क्या होगा, 1-1/x² dx। तो भाई जन आपके पास ये आ जाएगा, भाई जन आपके पास ये चीज़ आ जाएगी जी। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, i इज इक्वल टू x^2+1/x^4 -x^2+1। भाई बटे में x^4 होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x^2। तो आपके पास आएगा 1+1/x² x^2+1/x² -1 होगा। अब अगर ऊपर पॉजिटिव है, ऊपर क्या है तो नीचे क्या नीचे नेगेटिव होना चाहिए, x-1/x² होल स्केयर। अब इसको खोलोगे x^2+1/x² -2 आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए +1 कर दें, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आना चाहिए। अब इस रकम को आप टी पुट कर दें, तो अगर इधर नेगेटिव है तो डायरेक्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव।
तो आपका फार्मूला बन गया डी टी ओवर टी स्केयर प्लस वन का स्केयर, फार्मूला आएगा वन ओवर ए टेंडन इनवर्स टी ओवर ए जी। तो ए का रोल यहाँ पे वन प्ले कर रहे हैं, तो प्लीज़ पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी हमारे पास एक्स मनफी वन ओवर एक्स, सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर भाई जन, सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर। देखें दिस इज द स्पेशल क्वेश्चन जी, सिर्फ आपने ये करना है कि ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, अब अगर ऊपर पॉजिटिव आ रहे हैं ना तो नीचे आपने एक्स मनफी वन ओवर एक्स पुट करना है, बस ये नज़र आना चाहिए। क्यों? इसका डेरिवेटिव ऊपर होता नहीं, देखो ना अगर एक्स मनफी वन ओवर एक्स है इसका डेरिवेटिव का वन प्लस वन ओवर एक्स के जी, इसका डेरिवेटिव का वन प्लस वन ओवर एक्स के जी। अब ये डी टी ओवर टी स्केयर प्लस वन का स्केयर, तो ये फार्मूला है वन ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर एज। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें जी, आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें जी भाई। 16 क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रल वन ओवर वन प्लस ई की पावर एक्स इंटू वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स। भाई आप इस ई की पावर माइनस एक्स को नीचे देंगे, इसका एलसीएम ले लें, यू गेट दिस। अब ये क्या होगा, वन प्लस ई एक्स का होल का स्केयर, आगे ई एक्स। अब देखेंगे बिल्कुल ईजी, आपने वन प्लस ई एक्स को टी रखा जी, तो डी टी क्या होगा, ई एक्स टी एक्स, तो ये वन ओवर टी स्केयर ऊपर डी टी आएगा, टी माइनस टू पावर में एक जमा वही नीचे, ये माइनस वेल ओवर टी एंड टी की वैल्यू पुट कर दें, टी हमारे पास क्या था वन प्लस सी की पावर एक्स, दिस इज आंसर भाई। पहचान ये क्या है, इसके हैं वन ओवर ई एक्स कर दें, एलसीएम ले लें, ये स्क्वायर बन जाएगा। अब ज़रा देखें इसको पुट करना, तो टी बराबर वन प्लस सी की पावर एक्स, तो डी टी होगा ई एक्स टी एक्स, तो रकम बनेगी डी टी ओवर टी स्क्वायर ऊपर ले जाएँ टी माइनस टू पावर में एक जमा वही नीचे जी, एडजस्ट करेंगे तो माइनस वन ओवर टी एंड टी की वैल्यू पुट कर दें वन प्लस ई की पावर एक्स।